हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, जब से MIUI 11 के अपडेट शाओमी के डिवाइसेस के लिए प्रोवाइड किए गए हैं, तब से लगभग सभी डिवाइसेस में मोस्टली जो 15,000 के आसपास डिवाइसेस हैं या फिर उससे कम प्राइसिंग के डिवाइसेस हैं, उनमें काफ़ी सारे बग्स एंड प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आ रही हैं, किसी को बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम्स है, हीटिंग इश्यूज़ है, हैंगिंग इश्यूज़ है डिवाइसेज में, कैमरा में प्रॉब्लम्स है, कैमरा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जब आप पबजी प्ले करते हैं तो डिवाइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लैग होता है। तो दोस्तों, अगर आपके डिवाइस में भी ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसके पीछे क्या कुछ रीजंस है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स या सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके डिवाइस में जो बैटरी प्रॉब्लम है, हीटिंग इश्यूज हैं, काफ़ी हद तक आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि Xiaomi के किसी भी डिवाइस में कोई भी अपडेट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, जब से Xiaomi की तरफ से MIUI 11 के अपडेट्स रोल आउट किए गए हैं, तब से यहाँ पर डिवाइसेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स एंड बग्स देखने को मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर MIUI 11 को अच्छे तरीके से कंपनी की तरफ से ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है एंड इसी वजह से यहाँ पर डिवाइस में बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम, हीटिंग इश्यूज़, हैंगिंग इश्यूज़ जैसे बग्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, इसी को देखते हुए यहाँ पर Xiaomi की तरफ से MIUI 11 का सक्सेसर MIUI 12 जल्दी आपको रिलीज़ देखने को मिलेगा। 27 अप्रैल को MIUI 12 चाइना में रिलीज़ किया जाएगा, मतलब अनाउंस किया जाएगा। उसके 2 महीने के बाद इसके अपडेट्स आपको इंडिया में भी मिलेंगे, जून एंड या जुलाई के आसपास आपको मिलेंगे अपडेट्स। तो हम उम्मीद करेंगे कि उसमें यहां पर सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाए, लेकिन दोस्तों तब तक हम क्या करें। तो दोस्तों, अगर आपके डिवाइस की बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है या फिर हीटिंग इश्यूज या हैंगिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपके डिवाइस में जितने भी फालतू की एप्लीकेशन है सबसे पहले आपको अनइंस्टॉल कर देनी है। जिनको आप बिल्कुल कम यूज़ करते हैं अनइंस्टॉल कर दीजिए। आपको सेलेक्ट करना है एप्लीकेशन को, ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, अनइंस्टॉल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो ऐसे आप प्रेस करके रखिए एंड यहाँ से अनइंस्टॉल कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप अपने डिवाइस में ज़्यादा एप्लीकेशन रखते हैं, जो डाटा है डिवाइस का वो स्टोरेज फुल हो जाता है एंड स्टोरेज अगर डिवाइस में नहीं बचेगा तो दोस्तों डिवाइस यहाँ पर हैंग होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर ज़्यादा एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं डिवाइस में, ज़्यादा एप्लीकेशंस की वजह से डिवाइस यहाँ पर हैंग होना स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद अगर हीटिंग इश्यूज़ होंगे तो बैटरी प्रॉब्लम्स यानी बैटरी ड्रेन इश्यूज तो आपको देखने को मिलेंगे ही। तो दोस्तों, सबसे पहले सभी फालतू के एप्लीकेशंस को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पर सेटिंग्स में आना है, अबाउट फोन में। अबाउट फोन में आने के बाद स्टोरेज का ऑप्शन आपको मिलेगा। स्टोरेज में आने के बाद गाइस, जो आपका कैशे डाटा है सिंपली आप क्लिक करके रखिए। ये देखिए, इसमें 680 MB है, इसमें 2.5 GB के अप्रोक्स है, तो क्लिक करिए, ओके आपको कर देना है। कैशे डाटा यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में क्लियर हो जाएगा एंड ऊपर जो आपका स्टोरेज है वो भी यहाँ पर आपको फ्री थोड़ा मिल जाएगा। तो 4 से 5 सेकंड्स के बाद आप देख सकते हैं कैशे डाटा यहाँ पर क्लियर हो चुका है एंड स्टोरेज भी आपका यहाँ पर कुछ फ्री हो चुका है, तो इसको भी आप यहाँ से फ्री कर सकते हैं। एंड इसके बाद गाइज, आपको सिक्योरिटी एप्लीकेशन में आ जाना है एंड डिवाइस को यहाँ पर हर एक 2 दिन में यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ आपको कर लेना है। दोस्तों, ऑप्टिमाइज़ आप करिए एंड यहाँ पर बूस्ट स्पीड पर आप क्लिक करके जो भी एप्लीकेशंस या फिर एक्टिविटीज बैकग्राउंड में रन करती है तो उसी की वजह से गाइज यहाँ पर बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो यही मेन रीज़न है बैटरी आपकी जल्दी ड्रेन होती है, तो इसको आप यहाँ पर बूस्ट स्पीड पे क्लिक कीजिए, ऑप्टिमाइज कर लीजिए। दिन में एक बार ही जरूर से आप इसे कीजिए तो आपको यहाँ पर बैटरी में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा एंड डीप क्लीन में जाकर भी आप यहाँ पर जो भी डिवाइस में फालतू की एप्लीकेशन है, डाटा है, वो आप क्लीन करके रखिए। अगर आपके डिवाइस में 1 GB के नीचे यहाँ पर डाटा बचा है, आप चेक करिए यहाँ पर स्टोरेज में, तो फिर भी आपका डिवाइस यहाँ पर हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। हैंग होगा तो हीट होगा और हीट होने के बाद बैटरी यहाँ पर जल्दी ड्रेन हो जाएगी। और गाइस, यहाँ पर सिक्योरिटी एप्लीकेशन में आपको सिक्योरिटी स्कैन का भी ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर भी आप अपने डिवाइस को यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं, तो जितने भी बैकग्राउंड में वायरसेस वगैरह हैं उनको ये रिमूव कर देगा, तो इससे भी डिवाइस की परफॉर्मेंस आपको थोड़ी बेटर देखने को मिलेगी। तो ये आप दिन में यहाँ पर इन टिप्स को फॉलो कीजिए, 1-2 दिन में आप करते रहिए, और फिर भी अगर आपके डिवाइस में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर भी डिवाइस में यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स नहीं मिली हैं, तो दोस्तों इसके बाद एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है। सेटिंग्स में आपको आना है, अबाउट फोन में, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड रीसेट का, तो बैकअप एंड रीसेट में आपको आ जाना है एंड यहाँ पर लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा इरेज ओल्ड डाटा। तो दोस्तों, फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा एंड यहाँ पर रीसेट फोन का ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर डिवाइस को रीसेट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, ड्रॉ योर पैटर्न, जो लॉक स्क्रीन का पासवर्ड है वो आपको फिल कर देना है।
तो आपका डिवाइस यहाँ पर रिसेट हो जाएगा। एंड जैसा आपने नया अपने डिवाइस को परचेज़ किया था वैसा आपका डिवाइस हो जाएगा, पूरा आपके डिवाइस का डाटा यहाँ पर इरेज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों रिसेट करने के कुछ बेनिफिट्स है, डिवाइस की जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो आपको थोड़ी बेटर देखने को मिलेगी, कैमरा में भी आपको इम्प्रूवमेंट्स मिलेंगे, साथ में डिवाइस में जो हैंगिंग इश्यूज़ है वो भी आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेंगे, पबजी परफॉर्मेंस भी आपको थोड़ी बेटर देखने को मिल जाएगी। तो यार मैं आपको यही बोलूँगा कि 3 से 4 महीने में यहाँ पर सभी को साल में 3-4 ही बारी आपको यहाँ पर रीसेट ज़रूर से करना चाहिए। हर 3-4 महीने में आप रीसेट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपने डाटा जो भी आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं उनका आपको बैकअप ले लेना है रीसेट करने से पहले, क्योंकि रीसेट करने पर आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ यहाँ पर डिलीट हो जाती हैं। तो दोस्तों इन टिप्स को आप फॉलो कीजिए, आपकी डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले आपको थोड़ी बेटर देखने को मिलेगी, तो इन टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। एंड गाइस प्ले स्टोर पर काफ़ी सारी एप्लीकेशन आती है क्लीनर की, एंटीवायरस की, तो इनको आप बिल्कुल भी डाउनलोड मत कीजिए, इम्प्रूवमेंट की जगह आपका डिवाइस और हैंग होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, तो इनको आप फालतू के एप्लीकेशन को डाउनलोड मत कीजिए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को जरूर से सभी के लिए शेयर करना ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाए, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज की वीडियो में कल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत एंड टेक केयर।